hello everyone and welcome back to my playlist of medicine johan davidson uh, textbook of medicine se kar rahe, and today we will wrap up the discussion on thyroid disorders and the topic today is going to be congenital thyroid disease so congenitally obviously there are some anatomical congenital anomalies uh, but uh, if they don't affect the function of thyroid they are not discussed here so what we are going to discuss here in today's video in the medicine textbook are those cases which will affect the physiology and which will obviously affect the thyroid levels since फ्राम बर्थ सो अगर फंक्शनल इंपैक्ट है तो वो हम यहां दो केसिस डिस्कस करेंगे एक डिसमोरफोज का और दूसरा रेजिस्टेंस का विल टॉक अबाउट दैम एंड टू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इफ यू आर सींग पेशेंट एक्चुअली ये पेशेंट्स आइडेंटिफाई करना मुश्किल काम भी होगा बिकॉज दीज आर दॉयज और गर्ल्स हु हैव थर्वाइड इशूज सिंस फ्राम बर्थ और यह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इनका अर्ली ट्रीटमेंट हो अर्ली डायग्नोसिस हो इसलिए बच्चा पैदा होते ही स्क्रीनिंग प्रोफाइल में थायरॉयड का स्क्रीनिंग प्रोफाइल करना चाहिए सो अर्ली ट्रीटमेंट विद लेवोथायरोक्सिन इज एसेंशियल लुक एट द वर्ड एसेंशियल टू प्रिवेंट इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज इन चिल्ड्रन यानी अगर एक बेबी न्यू बॉर्न हुआ है और उसमें कोई थायरॉयड इशू है और उसको लेवोथायरोक्सिन नहीं दिया आपने सो देर आर चांसेज के इज गोना डेवलप ब्रेन डैमेज

guard. या गथरी टेस्ट सो वॉट द डू इज लाइक हील को पंक्चर करके ब्लड ड्रॉप्स ले लेते हैं और एक कार्ड होता है ये बेसिकली इसको वो स्टोर कर लेते हैं पर्पज इसके यहाँ पे ब्लड मौजूद है तो इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाता है उन बच्चों का कई सारी चीज़ों का कई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फिनाल कीटोन यूरिया या बहुत सारे और कॉमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं तो उनके साथ साथ टी एस एच की लेवल्स को भी चेक किया जा सकता है सो दिस शुड भी डन इन रूटीन स्क्रीनिंग ओके एंड इट इज डन इन सम कंट्रीज इट इज नॉट डन इन मैनी कंट्रीज बट इट इज़ वेरी हेल्पफुल बिकॉज आपको मैं अभी एक बात बताऊंजल हाइपोथर इज सिक्स टाइम्स मोर कॉमनलिया कंसिडर्ड एज ऑफ द मोर कॉमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन न्यूबॉर्न बेबीज लेकिन यह कह रहे हैं कि कॉन्जिनेटल हाइपोथायरॉयडिज्मन सिक्स टाइम्स मोर कॉमन देन पीके यू तो इतना कॉमन है इसीलिए अर्ली स्क्रीनिंग थायरॉयड की बहुत ज़रूरी है इट इज़ नाउ पॉसिबल टू स्टार्ट लेवोथायरोक्सिन रिप्लेसमेंट थेरेपी विद इन टू वीक्स ऑफ द बर्थ सो द अर्ली यू डायग्नोज द अर्ली यू गिव लेवोथायरोक्सिन एज अ रिप्लेसमेंट फॉर थायरॉयड हार्मोन्स एंड द यू नो ब्रेन डैमेज विल बी कंट्रोल्ड सो दिस इज सो इंपॉर्टेंट developmental assessment of infants treated at this early stage has revealed no differences between the cases and controls in most children which means the treatment works in many of the cases so this paragraph is very important to give you an idea okay, how important the early screening for thyroid issues is uh, for the normal health of the baby okay now two conditions that i have to discuss in this video one is called dysmorphogenesis dysmorphogenesis it uh, is it, it's a um, ऑटोसोमल रिसेसिव डिफेक्ट इन थायरॉयड हारमोन सिंथिसिस विच हैज़ बिन रिपोर्टेड और कई सारे डिफरेंट तरह के यू नो डिफेक्ट्स रिपोर्ट किए हैं ऑटोसोमल रिसेसिव द मोस्ट कॉमन ऑफ दैम रिजल्ट फ्राम डेफिशियंसी ऑफ एंट्रा थायरॉयडल परोक्सीडिस इन्जाइम द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस एंजाइम वी हैव डिस्कस दिस इन द फिजियोलॉजी इन द अर्ली लैक्चर्स फॉर थायरॉयड अगर ये डिफेक्ट होमोजागस है सो दे प्रजेंट विथ कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरोडिज्म होमोजाइगस का मतलब ये मदर से भी जो जीन आई है और फादर से भी जो जीन आई है दोनों डिफेक्टिव है सो दैट्स आर होमोजाइगस बेबी एंड देन देशेंट विल हैव कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरोडिज्म हाइपोथर सिंस फ्रॉम बर्थ और अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है सो दे विल प्रेजेंट अ लिटिल लेट यानी एक जीन नॉर्मल है और एक जीन एबनॉर्मल है सो तो जो नॉर्मल जीन है वो कुछ ना कुछ काम कर रही होगी और एबनॉर्मल जीन अपना पैथोजेनेसिस रिप्रेजेंट करने में कुछ टाइम लगाएगी सच एस टू डेकेड्स, ओके द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस मॉर्फोजेनेटिक ग्वाइटर And nerve deafness is known as pendrit syndrome. So that's a syndrome which is identified, just may goiter be hay, dysmorphogenesis dysmorphogenesis or and nerve deafness hai. So that combination is then termed as pendrit syndrome. In medicine, we have a lot of the syndromes and difficult names for them. And um, this is because of mutation in a Pendrin uh, gene. It's a protein um, that transports iodide to the luminal surface of follicular cell. And if the transport is affected, you know there will be problems. Okay. So dysmorphogenesis has been reported in

अच्छा अब थायरॉयड हार्मोन का आपको पता रहा दिस इज थायरॉयड ग्लैंड इट इज प्रोड्यूसिंग थायरॉयड हॉर् मोस्टली थ्री फोर बन रहा है तो ये एक्शन करते हैं पूरी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स पर सो so, एक ऑर्गन है यहाँ पे जिसपे इन्होंने जाके एक्ट करना है uh, तो अगर यहां इस हार्मोन के लिए रेजिस्टेंस होगी तो हार्मोन अपना काम नहीं करेगा बट द रेजिस्टेंस इज यूजुअली नॉट पेरिफेरल रेजिस्टेंस इट्स नॉट पेरिफेरल इट्स सेंट्रल रेजिस्टेंस होता ये है नॉर्मली नॉर्मल फिजियोलॉजी अगर आपको पता है थायरॉयड की सो वे प्रोड्यूस थायरोयड हार्मोन्स टी थ्री टी फोर ये सब चीजें एंड दे गो एंड हैव अ फीडबैक ऑन द हायर सेंटर्स पिछुटरी वगैरह पर जाकर इनका फीडबैक होता है सो so, इसे हम कहते हैं सेंट्रल फिनोमिना और जो

लेकिन अगर पिचुट्री हाइपोथैलमस के लेवल पर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी तो ये टी थ्री आएगा यहाँ पे लेकिन वो टी थ्री सेंस ही नहीं होगा ये आपके जो हायर सेंटर्स हैं पिचुट्री हाइपोथैलमस वो उसको फील ही नहीं करेंगे बिकॉज दे आर रेजिस्टेंट और जब ये रेजिस्टेंट होंगे तो इनको पता ही नहीं चलेगा कि अब टी थ्री बहुत बढ़ गया है टी एस एच को रोकना है तो ये जो फीडबैक सिस्टम है ये पूरा डिस्टर्ब हो जाता है एंड समटाइम्स ड्यू टू म्यूटेशन इन द दायरॉड हार्मोन रिसेप्टर बी और बिकॉज ऑफ द डिफेक्ट इन द मोनो एक्टिविटी बट द ओवरऑल इफेक्ट इज दैट देयर इज रेजिटेंट to the feedback suppression of TSH and चूंकि टी एस एच सप्रेस ही नहीं हो रहा तो वट विल विवल्स ऑफ टी एस एच टी एस एच के लेवल्स हाई होंगे एंड वॉट यू थिंक द लेवल्स ऑफ टी थ्री टी फोर दिल ऑल्सो भी हाई ये हाई है और ये भी हाई है नॉर्मल ये होता है कि जब ये लेवल्स टी थ्री टी फोर के हाई होते हैं तो ये सप्रेस हो जाता है इसके लेवल्स लो होते हैं लेकिन अब यहां पे रेजिस्टेंस है टी थ्री टी फोर सेंस नहीं हुआ जा रहा तो इसकी वजह से टी थ्री टी फोर के तो लेवल हैं ही बढ़े हुए टी एस एच के भाई साहब के भी लेवल बढ़े हुए हैं क्योंकि उसको सप्रेस करने का जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो गया है ओके सो दिस रिजल्ट इन हाई लेवल्स ऑफ टी एस एच High level of T4 and high level of T3, all right. And there is sometimes moderate goiter enlargement of thyroid as well. Now, thyroid hormone signaling is highly complex and involves different isozymes. Of both monoiodinase and thyroid hormone receptors in different tissues. For that reason, other tissues uh, may or may not share the resistance. This is very important. Usually peripheral resistance reporting, but they may also share. So the resistance problem is largely central problem. Okay, hai isme. this condition can be now, now comes the real story. This situation thyroid hormone resistance is mainly central thyroid hormone resistance. Hai, it may be difficult to distinguish from um uh, An equally rare TSH producing pituitary tumor, which is called TSHoma. Now, imagine this is the patient, and this patient has very high levels of, and that's a newborn baby, early age, mein hai, high levels of TSH. Now, you have a question if this is because of a tumor.

क्यों बिकॉज इस पेशेंट को जब आप एडमिनिस्टर करेंगे टी आर एच थायरॉयड रिलीजिंग हार्मोन तो इसका uh, जो पिछुटरी हैपोथल एक्सिस है वहां से फर्दर इसके रिस्पॉन्स में फर्दर टीएसएच रिलीज होगा

if there is a tumor which is releasing this tsh or if there is resistance to 3,3 and 4 so what you do is you give trh thyroid releasing hormone if the levels of tsh go up it means that uh, uh, there was uh, uh, resistance and not the tumor okay so abhi line ko dubara so administration of trh result in elevation uh, in thyroid hormone resistance but not in tshoma because tumor is already releasing a lot of uh, tsh and it is non-responsive to trh but mri scan of the pituitary may be necessary to exclude a macroadenoma so y ट्यूमर को एक तो फंक्शनली आपने डिसेक्ट आउट कर लिया टी आर एस डी के दूसरा आप एम आर आई करेंगे तो ट्यूमर होगा पर्टिकुलरली वि माइक्रोवाडिनोमा तो वो आपको एम आर आई पे नजर आ जाएगा सो दीज टू सीनैरियोज आपको कॉन्जिनेटल थायरॉयड डिजीजेस के हवाले से लाजमी याद रखने हैं डिस्मार्फोजेनेस एंड उसमें पेंड्रिट सिंड्रोम एंड दी अदर वन इज द थायरॉयड हार्मोन रेजिस्टेंस विच इज यूजअली द सेंट्रल रेजिस्टेंस ओके तो यहाँ पे थायरॉइड का डिस्कशन हुआ द काफी वीडियोस मैंने बनाई हैं छोटे छोटे टॉपिक्स करके मेडिसिन की थायरॉड के हवाले से गो थ्रू ऑल ऑफ देम नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट पर हैव द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ यू नो मेडिकल परस्पेक्टिव क्लिनिकल परस्पेक्टिव से रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे सो ऑल द वेरी बेस्ट टेक केयर ऑफ योर सब्सक्राइब द चैनल शेयर द वीडियो माई नेम इज प्रोफेसर आसिफ कुरेशी यू आर वॉचिंग डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स